के टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों के गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों का एक बहू जो है SDM बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहां तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। जानना चाहेंगे आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए, पूरा मामला क्या? देखिए आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा।